गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीमेंट टेक्नोलॉजी का यूनिट वन का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीमेंट के ओरिजिन तथा सीमेंट के डेवलपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा, पहला सीमेंट को डिफाइन करना तथा लाइम के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना। सेकेंड आउटकम होगा सीमेंट के हिस्ट्री के डेवलपमेंट को जानना। तो तीसरा आउटकम होगा सीमेंट के एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करना। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री से। पुराने समय में घर को बनाने के लिए स्टोन्स का यूज किया जाता था, जिसे जोड़ने के लिए मॉइस्ट मड का उपयोग किया जाता था। कुछ समय के बाद लगभग इजिप्शियन पीरियड में ये ज्वाइनिंग मटेरियल, जो पहले मॉइस्ट मैग मड होता था, उसके बदले बर्नट जिप्सम का उपयोग होने लगा था। अगला डेवलपमेंट रोमन और ग्रीक के समय में हुआ, तब स्टोन्स को लाइम और वोल्केनिक डिपॉजिट के फाइन ग्राइंड पाउडर, जिसे हम लोग पोजोलाना कहते हैं, इसका उपयोग होने लगा। पोजोलाना का नाम इटली के एक प्लेस पोजली के नाम से पड़ा। पोजोलाना एक लेटेंट हाइड्रोलिक मटेरियल है। आगे हम लोग देखेंगे दो तरह के हाइड्रोलिक मटेरियल होते हैं, एक्टिव हाइड्रोलिक मटेरियल और लेटेंट हाइड्रोलिक मटेरियल। 1790 से 1840 के बीच रोमन सीमेंट, जो कि लाइम और वोल्केनिक डिपॉजिट के फाइन पाउडर को मिला के बनाया जाता था, वो काफी पॉपुलर हुआ। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट मार्केट में आया। पोर्टलैंड सीमेंट को सन 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पीडिन ने बनाया था और पेटेंट किया था। इसका नाम उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट रखा, क्योंकि उस समय जो बेस्ट क्वालिटी का स्टोन जो घर बनाने में यूज होता था, वो पोर्टलैंड एरिया में मिलता था। सीमेंट के सेटिंग और हार्डनिंग के बाद इसका कलर और स्ट्रेंथ उस पोर्टलैंड सीमेंट से काफी ज्यादा सिमिलर था, जो कि उस समय पोर्टलैंड एरिया में पाए जाने वाले स्टोन के समान था। इसलिए उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, प्रोटोटाइप पोर्टलैंड सीमेंट और मेजोटाइप पोर्टलैंड सीमेंट। जोसेफ स्पीडिन ने इस सीमेंट को बनाने के लिए क्ले और लाइमस्टोन पाउडर का मिक्सर बनाया और उसके बाद साफ्ट किल्न में इसे कैल्साइन कर दिया। कैल्साइन करने के बाद जो सीमेंट बना, उसे प्रोटोटाइप
पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और सिलिका के बीच बहुत कम रिएक्शन हुआ था। उसके बाद उसका सन विलियम एस्पिडिन मेजोटाइप पोर्टलैंड सीमेंट बनाया। उन्होंने पाया कि जब हम अधिक बर्निंग करते हैं उस मिक्सर का, तो स्ट्रेंथ और सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज बढ़ गया, क्योंकि कैल्शियम और सिलिका के बीच इंटरेक्शन बढ़ गया था। इस सीमेंट में बीटा C2S और स्मॉल अमाउंट में C3S फेज होता है। लगभग सन 1900 में यह पाया गया कि हायर टेम्परेचर ऑफ बर्निंग एंड फायरिंग अधिक स्ट्रेंथ और सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज को देता है। इस सीमेंट में मेनली C3S प्लस C2S फेज होता है, जो कि प्रेजेंट डे का पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन है। हायर टेम्परेचर बर्निंग जो है रोटरी क्लिंग के यूज के कारण पॉसिबल हो पाया। आजकल सीमेंट का प्रोडक्शन 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोटरी क्लिंग की मदद से किया जाता है। C3S फेज का केमिकल फॉर्मूला होता है 3CaO.SiO2 एंड C2S का केमिकल फॉर्मूला होता है 2CaO.SiO2। ये दोनों फेज जो हैं, दोनों मेजर फेज जो हैं, वो पोर्टलैंड सीमेंट में पाए जाते हैं। इसके अलावे भी फेज पाए जाते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि दो टाइप के हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं, एक एक्टिव हाइड्रोलिक सीमेंट और लेटेंट हाइड्रोलिक सीमेंट। पोजोलोना एक लेटेंट हाइड्रोलिक मटेरियल था। अब ये एक्टिव हाइड्रोलिक मटेरियल क्या होता है हम लोग देखते हैं। जब हम एक्टिव हाइड्रोलिक मटेरियल में वाटर को मिक्स करते हैं, तो ये सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। लेकिन जब हम लोग लेटेंट हाइड्रोलिक मटेरियल में वाटर को मिक्स करते हैं, तो सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज डायरेक्टली शो नहीं करता है। ये तब दिखाता है जब इसमें किसी एक्टिवेटर को ऐड किया जाता है, जैसे कि पोजोलोना। पोजोलोना में हम लोग देखे, जब लाइम को ऐड करते हैं तो ये सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए लाइम इसके लिए एक्टिवेटर होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि सीमेंट का यूज जो है अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग सीमेंट को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो पहले भी देख रहे थे जो सीमेंट का यूज किया जाता है, तो वो वाटर को मिक्स करके उसके बाद स्टोन्स को से जोड़ा जाता था। इसका मतलब ये होता है कि वाटर के साथ कुछ रिएक्शंस होते हैं, इसके बाद वो प्रॉपर्टीज शो करता है। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक हाइड्रोलिक बाइंडर है। हाइड्रोलिक बाइंडर क्यों कहे? क्योंकि जब हम लोग इसमें वाटर को मिक्स करते हैं, तब ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक, अब इट इज कैपेबल, ये जो है छोटे छोटे मास को, छोटे छोटे स्टोन्स को, छोटे छोटे ब्रिक्स को एक पूरे सिस्टम में, पूरे बड़े सिस्टम में जोड़ने में कैपेबल होता है। हाइड्रेशन के बाद ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज शो करता है और सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। पोर्टलैंड सीमेंट में मेजर
कैल्शियम सिलिकेट फेज होते हैं और सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है कैल्शियम सिलिकेट फेज और कैल्शियम ऑक्साइड्स के हाइड्रेशन के कारण मिलता है। दो मेजर फेज पोर्टलैंड सीमेंट में होते हैं, C3S और C2S। इसके अलावे C3A और C4AF होता है। C3S और C2S के बारे में हम पहले भी जाने कि C3S 3CaO.SiO2 होता है, C2S 2CaO.SiO2 होता है, C3A 3CaO.Al2O3 होता है और C4AF 4CaO.Al2O3.Fe2O3 होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस अलग अलग फेज का क्या क्या रोल होता है, कैसे हाइड्रेशन होता है, अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हम अपने बचपन को यदि याद करें तो जब हम लोग बचपन में थे तो अपने गांवों में बहुत कम ऐसे घर होते थे जो कि छत के बने होते थे, जो कि पक्के मकान के बने होते। अब लेकिन आज के जमाने में पूरा का पूरा घर ही पक्के के बन गए। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं जो सीमेंट का प्रोडक्शन था 1995 में वो 1.3 बिलियन टन था, जो कि आज के डेट में बढ़ के अबाउट 4 times 4.2 बिलियन टन हो गया है। तो सबसे ज़्यादा इसका सीमेंट का यूज़ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिमांड बढ़ा और प्रोडक्शन भी ईयर बाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ओके, अब ये कुछ सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो चाइना जो है सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो अबाउट 2400 मिलियन टन पर ईयर सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। सेकेंड प्लेस पे हमारा इंडिया है, जो कि 300 to 400 मिलियन टन सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट, टर्की, वियतनाम, ये सब कंट्रीज हैं। अब हम बात करें वर्ल्ड वाइज शेयर का, तो चाइना का शेयर जो है 51% के अराउंड है, इंडिया का शेयर 6% के अराउंड है। और भी कंट्रीज हैं वो बहुत कम सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। ये इंडिया की कुछ कंपनीज और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कुछ प्लांट्स हैं, सीमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट है, इनके काफ़ी सारे प्लांट हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसकी टोटल कैपेसिटी है 64.5 मिलियन टन। इसके टोटल 13 प्लांट्स हैं, ऐसे श्री सीमेंट्स हैं, अबुंजा सीमेंट्स हैं, एसीसी सीमेंट हैं, रेमको सीमेंट हैं, डालमिया भारत सीमेंट है, जेके सीमेंट है, प्रिज्म सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, बिरला कॉरपोरेशन सीमेंट है। ये काफ़ी सारे इंडियन कंपनीज हैं जो सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। यहाँ ही हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।